जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुजाता पारुलकर आज ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ। 1962 की हार के किस्से आपने सुने होंगे, पर उस हार में जीत का ये किस्सा है। जी हाँ, ये कहानी है मेजर शैतान सिंह की। ये एक व्यक्ति की गौरव गाथा नहीं, परंतु ये कहानी 120 परम वीरों की है, उनकी अहीर फौज की है, यदुवंशियों की है। ठंड बहुत बढ़ रही है इस कोहरे और सर्दी के मारे, मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अभी घर पर होते तो गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाकर आहा मजे ही आ जाते हैं। ये सुकून यहाँ कहा ऐसे किस किस की छुट्टी मंजूर हो गई है? अरे भाई छुट्टी यह सब छोड़िए, यहाँ हिंदी चीनी बाय बाय कर रहे हैं। हिंदी चीनी बाय बाय। पर मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। हाँ सही कह रहे हो, मुझे इसकी सूचना तुरंत बेस कैंप पर देनी होगी। चांदी कंपनी स्पीकिंग। यस, और दुश्मन चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है, दबाव बढ़ा रहा है। यस, ओवर। इंतजार करिए, युद्ध में आप पहले गोली नहीं चलाएंगे। ओवर एंड आउट। जय हिंद, ओवर एंड आउट। क्यों भाई, क्यों है यह झगड़ा? क्यों हम इस बंजर जमीन के लिए अपनी अपनी जानों को दांव पर लगा रहे हैं? इस जगह पर कुछ उगता भी तो नहीं है, ना यहाँ पर कोई खनिज कीमती चीज है। हाँ भाई हाँ, यह कोई जमीन नहीं है, यह हमारी भारत माता है। हमने कभी किसी की जमीन पर अधिकार नहीं जमाया, इतिहास गवाह है। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, ना ही किसी की जमीन पर कब्जा किया है। यदि कोई हमारी जमीन पर टेढ़ी निगाहें तो करके देखे, हम उसकी आंख फोड़ देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, मगर हमारी जमीन मांगोगे तो चीर देंगे। अरे भाई, क्या ये जमीन उनके चाचा चंगेज खान उनको वसीयत में देखे गए थे? ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है, तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन। खबर आई है। क्या हुआ भाई? रूम भाई क्यों हाफ रहे हो? 7 पलटन पर 300-400 चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है, और 8 पलटन पर 800 चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब पहले जत्थे पर 300-400 सैनिक दुश्मन हैं। और सुनो तो, पीछे की तरफ से 400 सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अरे ये तो बहुत गंभीर बात है। अरे धोखा हो गया, ये तो मैंने धोखा दिया है। ये तो बड़ी गंभीर बात है, मुझे इसकी सूचना तुरंत बेस कैंप पर देनी होगी। चार्ली कंपनी स्पीकिंग। यस, ओवर। लगभग 1300 चीनी दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। ओवर। मेजर, तुम्हारे पास सिर्फ 123 जवान है, 100 हथगोली, 300-400 राउंड फायर और कुछ 3 की पुरानी बंदूकें। हमें जानकारी मिली है कि उनके पास 1000 सेल्फ लोडिंग राइफल्स है और ढेरों हथियार और बारूद है। वह पूरी युद्ध की तैयारी से आए हैं। ओवर। मेरे लिए क्या आदेश है? ओवर। मेजर, तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला, अपने सैनिकों को लेकर नाले के रास्ते से सुरक्षित नीचे उतर जाओ। दूसरा, तुम खुद समझदार हो। ओवर एंड आउट। जय हिंद, ओवर एंड आउट। साथियों, वक्त आ गया है फैसले का, उस घड़ी का जिसके लिए हम सेना में भर्ती होते हैं। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो सैनिक जिनको अपने वतन पर काम आने का मौका मिलता है। जियो तो वतन के लिए, मरे तो वतन के लिए।
चाइना। चाइना एक धोखेबाज देश है। उन्होंने हमारे देश की पीठ पर खंजर फूंका है। उनके हुक्मरान हमारे देश में आए, हमने उन्हें सर आंखों पर बैठाया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, हमारी सभ्यता का परिचय दिया और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। साथियों, जो जाना चाहता है वो जाए और जो मरना चाहता है वो मेरे साथ आए। हम सब यही रहेंगे और आपके साथ लड़ेंगे। मैं भारत का सिपाही हूँ, यह वतन मेरी माँ है और मैं अपनी माँ की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। तो आप मेरे फैसले से सहमत हो? कोई शक? नो सर। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन। सर सर, उनके सैनिक तेजी से हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास रोशनी भी है। लगभग 100 सैनिक लगते हैं, कोहरे के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है। सावधान, हमारी फायरिंग रेंज में आते ही उन पर गोली बरसा देना। यह तो उनके जानवर याक और घोड़े हैं जिनके गले में लालटेन लटका कर दौड़ा दिया है। इस धोखे के कारण हमारी बहुत सारी गोलियां और हथगोले बर्बाद हो गए हैं। फिक्र ना करो दोस्तों, जब तक गोली बारूद है गोली बारूद से लड़ेंगे, फिर बंदूकों की बटों से लड़ेंगे। अरे तुम तो यदुवंशी हो, उनसे लंबे चौड़े हो, उनको उठा उठा कर पटक देना, सर से सर टकरा कर फोड़ देना। एक भी चीनी सैनिक बचने ना पाए। बाजुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक बजेंगे शान हिंदुस्तान की। हम में से हर एक उनके 25 सैनिकों के बराबर है। जवानों, युद्ध के लिए तैयार। ये हिंदुस्तान की धड़कन, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, जिन्हें प्यार है वतन से
सर सर आपके हाथ में सेल लग गई है, आपके आपका हाथ भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे में आप युद्ध नहीं लड़ सकोगे, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। अरे तुम भी तो घायल हो, जिंदगी जब तुझको समझा मौत क्या चीज है, ए वतन तू ही बता क्या तुझसे बड़ी कोई चीज है। यादव तुम मशीन गन के ट्रिगर को मेरे पैर से बांध दो और इसकी रस्सी मेरे हाथ में दे दो। मैं यही पत्थर से टिककर युद्ध करता रहूंगा। यादव तुम नीचे बेस कैंप पर जाकर सारी सूचनाएं दे दो। सर मैं आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, आपके प्राण संकट में हैं। मेरी हर एक सांस मातृभूमि की है, मेरे शरीर का आखिरी लहू भी मातृभूमि के लिए रहेगा। तुम जाओ, इट्स एन ऑर्डर। जी जी सर। शांति की लहर आ चुकी थी। उस समय जब युद्ध हो रहा था बहुत बर्फ थी, लेकिन जब 3 महीने बीत गए तो 9 जनरल, 12-13 कर्नल और रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर उस स्थान पर गए, रेजांगला पास पर गए। उन्होंने जो वहां देखा वो दृश्य हृदय विदारक था। अरे सर यह चारों तरफ बंदूकें लगी है और यह किसी शहीद का पार्थिव शरीर है। अरे यह तो मेजर शैतान सिंह है। वाह ऐसा लगता है जैसे कोई राजा अपनी गद्दी पर बैठा हो। धन्य है ऐसी धरती माता, धन्य है ऐसे सपूत, आपको नमन है, नमन है, नमन है। महान कवि प्रदीप जी ने ये गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी इन्हीं वीरों के लिए लिखा था और लता जी ने इसे गाकर अमर कर लिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, 8 सैनिकों को वीर चक्र दिए गए और 4 को सेना मेडल, रेजांगला बटालियन को ऑनर रेजिमेंट का अवार्ड और थिएटर ऑनर का अवार्ड दिया गया। हम जब इनकी बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने अपने देश के लिए क्या किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगी और अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलते देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। जय हिंद।